दमण प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश वडा प्रधान नरेन्द्र मोदी पंजाब यात्रा दरमियान सुरक्षा में थे चूक विरोध में धरना कार्यक्रम योजना नानी दमणना बस स्टेड नजीक भाजपा सांसद लालूभाई पटेल तथा संघ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं मौन धारण कर शांतिपूर्ण रीते पंजाब की रेली कांग्रेस सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कर જ્યારે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સુરક્ષા પ્રત્યે બેદરકારી દાખવનાર તમામ અધિકારીઓ સામે કાયદાકીય રીતે કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી હતી. पंजाब की कांग्रेस सरकार ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है. इसके विरोध में हम आज पूरे देश भर में अनुसूचित जाति मोर्चे के लोग आज प्रोटेस्ट धरने पर बैठे हैं. इसी के चलते आज हम पूरी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से लेके पूरी बॉडी आज यहाँ विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं और हम जितनी हो सके उतनी कड़ी निंदा करते हैं पंजाब सरकार कांग्रेस की. मौन विरोध प्रदर्शन देश के हर एक प्रदेश में अपने अनुसूचित जाति मोर्चा के माध्यम से रखा गया है और ये मौन विरोध रखने का कारण है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक की और ये चूक नहीं बल्कि इरादा पूर्वक किया गया एक कृत कार्य है. प्रधानमंत्री जी पंजाब में 4,700 करोड़ के विकास परियोजना का शिलान्यास करने जा रहे हैं और साथ साथ महापुरुष शहीद भगत सिंह को भी श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं. किंतु कांग्रेस को ना विकास की परिभाषा पसंद है ना ही महापुरुषों की पूजा पसंद है और साथ साथ उन्होंने एक घिनौना कार्य करके उनके जो कृत मान्यता है जो उनकी गंदी सोच है वो भी देश के सामने प्रदर्शित की. आज प्रधानमंत्री जी ये कोई पार्टी के नहीं है, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ऐसी चूक की जाती है और जानबूझकर उनको घेरने के लिए ब्रिज के ऊपर हजारों की संख्या में बेदी जमा की जाती है तो ये पूरी सुरक्षा की चूक की गई है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए. जिन्होंने ये घिनौना कृत्य किया है उनको ऊपर कानूनी कदम उठाने चाहिए, ये हमारी मांग है और इसलिए हमने ये मौन धरना का प्रदर्शन किया है.